Assalamu alaikum everyone, welcome back again to my channel. I hope all of you are fine and doing amazing. I'm back with another vlog और vlog start हो रहा है सुबह से ही. आज मैंने सुबह उठते ही कैमरा पकड़ लिया और मैंने सोचा कि एक व्लॉग भी साथ ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं फिर कामों में लग जाती हूँ, फिर ऐसी कामों में लगती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने व्लॉग शूट करना था. सो सुबह सुबह ही हस्बैंड को उनका लंच पैक करके दिया, ब्रेकफास्ट तो वो करते नहीं हैं, और उनको उनके ऑफिस भेज के मैंने अपना बेडरूम सेट किया और फ्रेशन अप होके यहीं से अपने डे को कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, मैं जब से यूएई में आई हूँ ना, यहाँ आकर मेरी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो चुकी है. अब मैं लास्ट कुछ डेज से एक स्किन केयर को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरी स्किन ड्राई और फ्लेकी हो चुकी है. सो सुबह ही मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ. कोई भी काम का स्टार्ट करने से पहले, किचन में जाने से पहले, अपना एक सीरम भी स्टार्ट किया हुआ है यूज़ करना, और इसके अलावा सन ब्लॉक भी स्टार्ट किया हुआ है. मैंने वैसे भी अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज किया है. पहले मैं सारे काम करने के बाद मैं फ्रेशन अप होती थी, थोड़ा सा तैयार होती थी, पूरा दिन मेरा ऐसे ही लेजी गुजर जाता था, और दिन के लास्ट पे शाम में कहीं जाके मैं तैयार होती थी. लेकिन अब मैं सुबह होते ही सबसे पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, और इस तरह से मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ. अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम कैसे खुद को मोटिवेट करती हो, अकेले रह रही हो, जॉब क्यों नहीं कर रही, एज अ हाउसवाइफ अपनी एजुकेशन को वेस्ट कर रही हो, इतनी अच्छी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा है जब आप जॉब ही नहीं कर रहे. और इस बात ने मुझे काफ़ी दिन तक डिस्टर्ब रखा कि मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, और क्या मैं अपनी डिग्री को, अपनी एजुकेशन को वेस्ट कर रही हूँ. ग्रेजुएशन से पास आउट होते ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, और मॉर्निंग में मैं अपनी जॉब करती थी, और इवनिंग में मैंने मास्टर्स स्टार्ट कर दिया था इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. मास्टर्स कंप्लीट होते ही मैंने साथ ही एक स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा भी स्टार्ट कर दिया था, और अभी डिप्लोमा मेरा चल ही रहा था कि मेरी शादी हो गई थी. शादी हो गई थी लेकिन अभी मेरा स्पेशल एजुकेशन का एक सेमेस्टर रहता था, तो फिर उसको मैंने कंटिन्यू किया. और जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने 3 मंथ स्पेशल एजुकेशन स्कूल में इंटर्नशिप की, और स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जो मेरी इंटर्नशिप थी, दैट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. बट बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई. फिर शादी के ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद मैं यहाँ पर यूएई आ गई. स्टार्टिंग पे मेरे माइंड में था कि मैं प्रॉपर जॉब हंट करके मैं जॉब करूँगी यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग पे मैं ये भी सोचती थी कि मुझे, मैं एक नई जगह पे आई हूँ, नए कंट्री में आई हूँ, तो यहाँ के वर्क एथिक्स को और यहाँ के एनवायरनमेंट को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. डू आई रियली मिस माई ओल्ड लाइफ? आई थिंक समटाइम आई डू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है. असल में मैंने दोबारा कभी जॉब हंट की ही नहीं, और स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं अपनी एजुकेशन को वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है, और यूए की मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. लेकिन फिर ये सब थॉट्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे माइंड से खुद ही चली गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि मैं, अगर एज अ हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपनी एजुकेशन को वेस्ट कर रही हूँ. मैंने अपनी लाइफ से, अपनी एजुकेशन से जो कुछ भी सीखा है, वो मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. और रही बात फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की, तो उसके बारे में मेरा स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल डिफरेंट है. मेरा फर्म बिलीफ है कि जो आपके नसीब में है, वो आपको मिल के रहता है, चाहे आप खुद जॉब करें या कोई और आपके लिए जॉब करे. नमाज की पाबंदी भी यूएई आके मेरी और ज़्यादा अच्छी हो गई है. पहले भी नमाज पढ़ती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से दुआ मांगती हूँ, और माइंड में कोई ऐसा ख्याल नहीं होता कि मुझे कोई काम करना है या कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, तो बहुत आराम और सुकून से मैं दुआ मांगती हूँ. और शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ. लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है कि हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता कि मैं होंगी भी या नहीं होंगी. तो लाइफ में मेरे कोई बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं हैं जिनको मैंने अचीव करना है. जो अल्लाह ताला दे रहा है, उस पर राज़ी रहना है. बस अपनी आज को इंजॉय करना है, अपनी मेंटल और अपनी फिज़िकल हेल्थ पर फोकस करना है. यही बस मेरे गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं, और ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेरी तरह ही सोचे. आज मेरे पास लाइफ में चॉइसेस हैं, मैं जब चाहे जॉब स्टार्ट कर दूँ, लेकिन हर किसी की लाइफ की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं.
बहुत से लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती कि वो जॉब करें, उनको अपने सर्वाइवल के लिए जॉब करना ही पड़ती है। एंड सल्यूट टू ऑल दोज वुमेन जो जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ घर को भी मैनेज कर रही हैं, और ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है। आई नो समटाइम्स वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, चाहे आप कितने ही हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस हों, बहुत सी बातें आपको इरीटेट करना स्टार्ट कर देती हैं। औरत एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है अपनी फैमिली के लिए। जैसे कि मैं हाउसवाइफ बन के अपने शोहर को और अपने घर को चला रही हूँ, इसी तरह बहुत सारी ख्वातीन हैं जो जॉब कर रही हैं और उनके लिए वो बहुत हैप्टिक रूटीन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाउसवाइफ है वो सारा दिन चिल करती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट देखा है, इवन कुछ ख्वातीन के भी माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि वो ये कहती हैं कि सारा दिन क्या करती हो, कोई जॉब कर लो, ख़ुद को बिज़ी कर लो, अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो और कुछ बना लो अपना। लेकिन मेरे ख्याल से एक हाउसवाइफ की सबसे अच्छी क्वालिटी तो यही होती है कि वो एक ऐसा घर बनाती है जो बहुत पीसफुल होता है, ऐसा घर जहाँ पे बरकत हो, जहाँ पे दिल लगे, हंसी मजाक हो मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ, और कोई नेगेटिविटी ना हो। और ये सब कुछ करने के लिए एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं। एक्चुअली जो मेरा यूट्यूब का मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ ना, इसमें मेरा पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है। एक दिन मेरा एडिटिंग में चला जाता है और एक दिन रिकॉर्ड करने में लग जाता है। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अगर अच्छा कंटेंट बनाना है, क्वालिटी कंटेंट बनाना है, तो फिर आपका अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है। सो डेली बेसिस पे मेरे 5 to 6 hours यूट्यूब के नाम लग जाते हैं। और आई नो मुझे अभी इससे कोई इनकम नहीं है और ना ही मैं प्रॉपर इनकम के लिए कर रही हूँ। मुझे बहुत सालों से यूट्यूब पे व्लॉगिंग करने का शौक था, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ ख़ुद को बिज़ी करने के लिए। और वैसे भी मुझे डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट वीडियोस शूट करना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली इसमें हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प आउट किया। सो शुरू में तो मुझे समझ नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल इसकी आदत सी हो गई है और अब यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना मेरी एक हॉबी बन चुका है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नए नए आइडियाज़ सोचूं कि अब किस टॉपिक पे कंटेंट बनाऊं। आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और यकीन करें, ये एक पार्ट टाइम जॉब है यूट्यूब की, और आपके दिन के 4 to 5 hours आराम से लग जाते हैं कंटेंट बनाने में। एंड आई होप कि मेरा यूट्यूब ही मेरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, मेरी हॉबी ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो बस इसी के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, और इस तरह करने से मैं ख़ुद को एक्टिव भी फील करती हूँ, बोर भी नहीं होती। यूट्यूब के अलावा मैंने बुक रीडिंग फिर से स्टार्ट कर दी है, और जो फ्री टाइम मुझे बचता है उसमें मैं कुछ मूवीज़ देख लेती हूँ, टीवी देख के टाइम स्पेंड करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सब कुछ करने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो हाउसवाइफ इज़ अ फुल टाइम जॉब, और मेरा पूरा दिन कहाँ गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले सभी व्लॉग्स देख सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।